चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान इख्तलाफ की असल वजह क्या? हामिद बीर ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा है कि आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक अवाम से है। पाकिस्तान के तीन बड़े मसले हैं, एक दहशतगर्दी, दूसरा मईशियत और तीसरा सियासत। पाकिस्तान की मईशियत के हवाले से तो एक अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिल गया है। इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि मईशियत संभल गई, लेकिन सियासत संभलती नजर नहीं आ रही और सवाल ये है कि पाकिस्तान का आइन कैसे संभलेगा। उन्होंने कहा कि ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज एक दूसरे को खत लिख रहे हैं और मीडिया पर जारी भी कर रहे हैं। इससे सूरत हाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन जजेस के दरमियान कोई आईनी इख्तलाफ नहीं है बल्कि इनको एक दूसरे से जाती इख्तलाफात हैं। अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रही तो ये ना हो कि पाकिस्तानी अवाम का अदालती निजाम से एतमाद उठ जाए, क्योंकि जज साहिबान आपस में लड़ेंगे तो अवाम को इंसाफ कौन देगा।